नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो मैं हूं अभी शहडोल से 12 किलोमीटर दूर एक गांव में, और ये गांव का नाम पड़मनिया खुर्द है, और इसी से सटा हुआ गांव का नाम है पड़मनिया कला। कोशिश करेंगे आज दोनों गांव को देखेंगे, और प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है गाँव का, और गलती यहाँ करते हैं। क्यों भाई साहब, हेलमेट किधर है? हाँ हाँ हाँ, लगा रहे थे, यही गलतियाँ करते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, शहर जो है वो गांव से ही बनता है, और गांव के लोग ही जाके बसते हैं। उस हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं आप? हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं? हेलमेट, हाँ हाँ, हेलमेट लगा के आइए, जाइए लौटिए और हेलमेट लगा के आइए। आप घर से ही निकलिए तो हेलमेट लगा के निकलिए। तो ये गांव पड़मनिया खुर्द है, और आज पूरे गांव में चलेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे। ट्रैफिक के नियम के बारे में, कितने जागरूक हैं लोग, और जागरूक हैं तो क्या नियम का पालन करते हैं। जैसे अभी हमने इनसे कहा और रिक्वेस्ट की, और ये लौट गए हैं अपने घर की तरफ, और घर से फिर वापस हेलमेट लगा के निकलेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और यही यही चीज़ हम सभी को बताने आए हैं, और सभी को जागरूक करने आए मेरे प्यारे साथियों, कि अपनी सेफ्टी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी जान की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए गांव तरफ, देखते हैं क्या सबसे कितना शानदार नज़ारा है। देखिए ये एक चीज़ तो गांव में, हेलो भाई साहब इधर आओ, आओ इधर, कहाँ घूम रहे हो आप लोग? सर सिंहपुर जा रहे हैं। सिंहपुर जा रहे हैं, हेलमेट किधर है? सर हेलमेट नहीं है सर। हेलमेट क्यों नहीं है? घर पे ही नहीं है? घर में है सर। तो घर पे जाइए, लगा के आइए, जाइए जी सर। अभी जाइए आप, अभी जाइए, नहीं तो ये देख रहे हो आप एम्बुलेंस, देख रहे हो आप एम्बुलेंस, पता चला इसी में चलना पड़े तो आराम से चलना है, आराम से। देखिए यहाँ बड़ी गाड़ी भी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ियां भी गुजरती हैं। और ये रायपुर रोड है, आपसे बता दूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को जानते होंगे आप, और यहाँ से जबलपुर की रोड भी है। तो ये मुख्य रोड है, मुख्य सड़क है। हेलमेट लगा के चलना चाहिए कि नहीं? है ना, चलना चाहिए। आप लोगों की गाड़ी तो है, पर हेलमेट कहाँ है? आप घर पे है? क्यों घर पे है हेलमेट? हैं, याद घर है। बताइए क्यों, आप क्यों नहीं लगाते हो हेलमेट? मैं कौन हूँ आप ये बताइए? हैं, ये देखिए आज यहीं पे चालान होगा। हेलमेट कहाँ है सर? हेलमेट सर रखा है। अभी जाइए हेलमेट लगा के आइए। अरे मैं जोधपुर से आया हूँ, अभी आ गया थे। जोधपुर से आए हैं, अब जोधपुर जाइए, हेलमेट लगा के ही बाहर जाइएगा कहीं। ओके, हेलमेट तो शहडोल में रखा है। हेलमेट शहडोल में रखा है, हेलमेट जोधपुर में भी रखिए। क्या है भाई, बाजार 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 है, ऐसे क्यों बैठाए हो? खतरनाक आदमी हो यार, पिताजी को बीच में क्यों ले आते? अभी कोई दूसरा बोल देगा तो बुरा मान जाओगे। हैं, ऐसे लटकाए हो यार, तो कितने आराम से नमस्कार हो रहा है, देखो उधर कितने आराम से। ये सब लापरवाही है, सही बात। ये बताइए आप, घटना दुर्घटना जो है तो वो पूछ के थोड़ी होता है? नहीं, अचानक से होता है, लापरवाही से होता है ना। चलिए पूरे गांव में घूमेंगे। ये देखिए ये यहीं से, हाँ साहब, पड़मनिया ड्यूटी लगी हुई है हमारी, और आज सबका चालान करेंगे जो जो बिना हेलमेट के चलेंगे। कहाँ हेलमेट आपका? हेलमेट है ना, कहाँ पर है? शहडोल में दुकान रखा हूँ। शहडोल में क्यों रख के आते हैं जब घर यहाँ है? तो कल बंद नहीं रहा था। आपकी जिम्मेदारी है, इनको हेलमेट लगवाइए, आप भी लगाइए। हाँ मामा हो चाहे कोई भी हो, लेने आ गए, हेलमेट लगाना है, लगाएंगे लगाएंगे पक्का पक्का, वादा कीजिए, पूरा देश देख रहा है आपको। तो दोस्तों ये स्थिति है, मतलब इतनी नादानी, इतनी लापरवाही हम कर रहे हैं, और गांव से शहर में जाते हैं, शहर में भी फिर इसी तरीके से चलते हैं। और घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है, उसका कोई अलार्म नहीं बजता है, वो पूर्व सूचना नहीं मिलती है। इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए, कहाँ है हेलमेट सर? यहीं के, यहीं के हैं तो
हेलमेट नहीं लगाना है? कहाँ तक गए थे? कुलिया तालाब तक गए थे, तो हेलमेट लगा के जाना चाहिए था, या तो फिर गाड़ी लेके मत आ जाते। गाड़ी की जरूरत क्या है जब जब तालाब तरफ जाना है, कहीं भी जाना है? आप वीडियो बना देना। हाँ, क्या देखे हो? हाँ, क्या नाम है आपका? राम कुमार बैगा। राम कुमार बैगा जी, आपको जब कहीं जाना हो, खेत जाना हो, तो पैदल चला करो। गाड़ी से चलोगे तो हेलमेट लगा के चलना है, सबसे वादा कीजिए आप। हेलमेट लगा के चलना। ये देखिए, ये मुख्य सड़क है गांव की, एक गांव के लोगों के निकलने की बाहर। हेलमेट किधर है आपका? यही तो है। कहाँ? यही गांव में कहीं जा रही है बाहर। वापस जाइए और तत्काल हेलमेट लगा के आइए। कहीं भी जाना है तो हेलमेट लगा। राम राम दादाजी, और क्या हाल है? सब बढ़िया। हमको पहचान रहे हो, हम कौन है? वर्दी देख के कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, पुलिस वाले हैं। हाँ। आपके घर पे गाड़ी है? हाँ? गाड़ी है, गाड़ी लूना है। हाँ। हाँ। तो लूना ही तो गाड़ी तो हुई। हाँ। उस पे हेलमेट लगाते हैं कभी? हाँ, हेलमेट तो लगाता हूँ, बिन हेलमेट के नहीं चलते। रोड में जाते हेलमेट चलाऊ तो। हाँ। और सब ठीक ठाक है? जब भी रोड पे चले तो हेलमेट लगा के चले। रोड में चलाते हूँ तो हेलमेट, वो इतने गांव में चले तो ऐसे ऐसे तो गांव में फिर पैदल चलिए। नहीं, इधर इधर अपना आस पास में। हाँ। हाँ। और बाकी रोड में तो हेलमेट, ये जो मेन रोड में, हाईवे मेन रोड में जब जाते हैं तो हेलमेट लगा के जाते हैं। हाँ, मेन रोड में हेलमेट। हाँ, बहुत जरूरी है, इसलिए हेलमेट ले जाते हैं। पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं, नहीं ले जाए तो। हाँ। भाई, भाई नहीं ले जाए तो 76 पैसा ले लेंगे, मतलब तो दूती। हाँ, तो इसलिए हेलमेट ले जाए तो पैसा नहीं लगता। हमारे पास ताजत पात्र सब है, ड्राइवरी लाइसेंस है, सब है। हाँ, तो हेलमेट नहीं लगाते तो पुलिस पैसा ले लेती। हाँ, है, इसीलिए हेलमेट लगा। हाँ, इसलिए हेलमेट ले जाते हैं। भाई सीधे सीधे बात, पुलिस क्यों रोकती है, क्यों आपको? पुलिस इतनी रोकती है भाई, वो हमारे लिए रोकती है, माने तो गिर पड़े तो हो जाया। हाँ, बिल्कुल ऐसा बताइए ना, इसलिए हमारा बचता है उसमें। हाँ, हमारा भी शरीर बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, बहुत अच्छा। पुलिस इसलिए आपको रोकती टोकती है, आपकी सुरक्षा के लिए है ना, कि आप कहीं अगर मान के चलिए, हेलमेट लगाने से ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट ही नहीं होता है, पर अगर कभी गिर पड़ोगे तो सिर में भी, सिर पे नहीं लगेगा अगर हेलमेट लग, है ना? जानते तो हम, फिर काहे बोलते कि पुलिस पैसा ले। नहीं तो भाई, मान लेता हूँ अचानक चले जाए, अचानक जल्दी जल्दी चल दिए तो फिर तो पैसा लग जाता है। तो अचानक आप गाड़ी उठा सकते तो हेलमेट क्यों नहीं उठा सकते? मान लेता हूँ जल्दी में चले जाए, इसलिए नहीं। चलिए ठीक है। और दादाजी, तो हेलमेट लगा के ही चलना है मोटरसाइकिल में, है ना? आप चलाते हैं कभी? लाइसेंस बनवाए हैं? लाइसेंस बना है? कहाँ जा रहे हैं? यहीं पास। कहाँ जा रहे हैं? हेलमेट कहाँ गया? मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, पता है आपको ना? नहीं पता था, आज बता रहा हूँ, आज जान लो। लाइसेंस बना है? बन गया है। तो लाइसेंस कैसे बन गया? लाइसेंस बनते समय तो ये सब पूछते हैं ना कि आपको हेलमेट लगाना चाहिए, ये सब बताते भी हैं। लाइसेंस कहाँ बनवाते, कौन सी दुकान में? पापा जी के नाम से बना है। पापा जी के नाम से बना है, तभी तो आप नहीं जानते हो। हेलमेट आप लाइसेंस अपना नहीं बनवाए हो, आप इसका भी फाइन हो जाता है। और मान लो कोई अगर घटना दुर्घटना होती है ना, तो कुछ भी बीमा हुआ नहीं मिलता है, पैसा कुछ भी, और कोई मदद नहीं मिलती। इसीलिए बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। कितने साल के हो गए आप? 23 को पूजने वाले हो, तो अब बनवा लीजिए, है ना? लाइसेंस बनवा लीजिए, फिर गाड़ी चलाइए। अभी वापस जाइए, आप वापस जाइए, नहीं तो जुर्माना बहुत बड़ा हो जाएगा। इधर ही है, चलो चलो अभी अभी जाओ। अब शहर तरफ नहीं जाना और ना मेन रोड में जाना है ना, गाड़ी नहीं चलाना है दोस्त। क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल भाई, है ना, गाड़ी बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाई जाती है, और बिना हेलमेट के भी मोटरसाइकिल में नहीं चलाया जाता, है ना? उससे क्या होगा, हेलमेट लगाओगे तो क्या होगा, आप बताओ? हेलमेट में क्या सुरक्षा मिलती है अपन को? हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट से बचना पड़ता। कैसे बचते हो आप बताओ?
सिर सुरक्षित रहता है ना, कहीं गिरेंगे तो सिर पे चोट नहीं लगती है, इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये है पड़मनिया खुर्द गांव, देख रहे हैं गांव का क्या शानदार नजारा है और बहुत ही मनोरम दृश्य है। आप देख सकते हैं ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा। साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आपने बैगा बैगा जनजाति के बारे में जाना होगा, समझा होगा, और ये जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा पूरा शहडोल संभाग, और वहाँ पर आपसे बताऊँ पवित्र प्रकृति प्रेमी के रूप में हमारे आदिवासी भाई बहन हैं और उनकी संस्कृति अभी भी जीवित है। तो ये आप ठाकुर बाबा ठाकुर देव जी का देख सकते हैं, पवित्र स्थान है, हम अभी पड़मनिया खुर्द में हैं। तो यहाँ पर सादर प्रणाम करता हूँ।